हाँ जी, अज आप विलेज माना ब्लॉक लंबी डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब आए हैं। शैटर्ड पैडी जर्मीनेशन जिन्हों आप 24 वाले झोना भी कह दें, तो ये बाई जी राजेंद्र सिंह फार्मर आप मिले हाँ। सत श्रीकाल बाई जी। तो बाई तुम ये दसो भी तुम कि वरायटी सी की प्रैक्टिस की, किमें थोनों पता लग गया सारे बारे सू माड़ा जी चानना पाओ जी। ठीक है, सब तो पहले तो सारे सत श्रीकाल। तो पहली गल तो यह है जी, इस झोने असं बाबे नानक वाला झोना कहने जी। तो मेरे फादर साहब ने जोड़ा उन्होंने रख्या गया भी कहें आप रखना ही रखना है उन्होंने कहती। तो ये है जी, ये पहली गल तो यह वरायटी जी है 1401 मुछल झोना जी। ठीक है जी। तो ये पिछली बारी जोड़ा आप मशीन तो किर जाता, जो मशीन वढ़ती है झोना तो वो जो दाने किर जाते हैं वो आप दी आप ही उग रहे। पिछले साल आप रखा सी 3 किले झोना जी, वह झाड़ सी 65-70। तो ऐतकी का देखो तो सानू झाड़ वधिया लगे तो करके ऐतकी बारे से घट्टो घट 40 किले थान रखे जी। ठीक है जी। 1401 मुछल वरायटी है ये जी। तो आप मतलब तूड़ी बनाने बाद थान 2-3 बारी तवियां मार के पूरा बरीक करके वधिया, तो उस तो बाद लेज़र लैवल ला के करा जी अपना। तो पानी लाता सीगा, पानी लाने तो मतलब 2 पानी लग गए रख लो भी 10-15 दिन बाद झोना दिसन लग जाता अपन, उस कणक भी उगरी आती है जी। ठीक है जी। तो कणक का पहचान तो अपन ये है भी कणक का रंग तो होंगे गूढ़ा हरा जी, तो ये उगरदा यह होंगे फिक्के रंग का। तो चलो दो 1-2 पानी जो बाद लगते कणक तो आपके टाइम तो होंगे नहीं, टाइम कणक मच जाती है तो कला झोना रह जाता जी। तो इसका यह है भी इस असी संघने की प्रॉब्लम सी, संघना ज्यादा सीगा ये हैरो भी मारी एक। ठीक है जी। तो हैरो मारन तो बाद सानू जी मेन ज्यादा प्रॉब्लम इस कखा की आई हैगी ऐतकी, क्योंकि नॉमनी गोल्ड की दवाई जी आप डोज पाई से असी 120 ml उन्होंने दसन मुताबक पाई से, पर उन्हें कुछ नहीं किया। ठीक है जी। उस तो बाद असी कुछ वाहन 200-250 ml पाई है किले की नॉमनी गोल्ड। ठीक है जी। उत्थे रिजल्ट वधिया रहा। तो यदी जी है अपनी 1401 जी मेन प्रॉब्लम आँदी है झंडा रोग की बहुत ज्यादा आँगी, जो आप कद्दू करके झोना लाने। ठीक है जी। तो इस झोने तुम देख लो सामने बाइयों भी दिखा दो वीडियो, इस भी कोई भी झंडा रोग वाली मतलब जी अपनी हाँ जी जी झंडा रोग वाली जी भी प्रॉब्लम हैगी मेन प्रॉब्लम है वो इस झोने नहीं है। कोई भी बूटा है नहीं है मेरे हिसाब से, 1% एक भी नहीं होना शायद, जो माड़े मोटे तो की आखना कोई हो, पर पूरी तरह जी प्रॉब्लम हैगी है आपे उगरन वाले झोने या बिजाई वाले झोने कह सकते हैं, यह प्रॉब्लम इस झोने पूरी हल हो जाती है। तो अगली गल यह हैगी भी जोड़ा आप पिछले गेड़े आप वढ़िया से झाड़ थोड़ा दसता 65-70 मन हो गया सीगा जी मुछल झोना है। तो ऐतकी पोजिशन थोड़े सामने हैगी जो कुछ होगी, बाकी तुम जो कुछ हो रेह रू मान लो 3 गट्टे आप पा दें जी, 3 गट्टे पाए ऐतकी देखो माड़ी मोटी मौसम का करके तो पल देखो अगर पिछा हो ध्यान च है नहीं करना, पर हूँ 3 गट्टों का असं आइडिया लैके चलते होंगे जी। तो बीमारियां दवाइया दवाइया तकरीबन काफ़ी हद तक दूजे जिमें कहते इस झोने ऑफन ज़्यादा प्रॉब्लम आँदी हैगी, संभाल हर एक बंदा कहता यार मुछल की खेती औखी बहुत हैगी, स्प्रेयां बहुत होंगे है। तो भी हजे तक तुम देख लो आ झोना आप हजे तो कोई दवाई दवुई कुछ नहीं किया जी इस, तो दो बाद ही हूँ पावे। चलो ठीक है, शुक्रिया जी, थोड़ा टाइम दिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थोड़ा ही बहुत धन्यवाद।